रूही ने करवा दिया अबीरा और बाद के बीच झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रूही कुछ भी करके अबीरा को प्रपोज करने से रोकना चाहती थी और इसके लिए वो चारू को बकरा बनाती है। जैसे ही चारू देव से मिलकर घर आती है तो रूही सब घर वालों को इकट्ठा कर लेगी। अरमान चारू से पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। उसे समझ नहीं आता कि वो जवाब में क्या कहे। तभी रूही घर वालों को सच बता देती है कि चारू देव से प्यार करती है और इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में अबीरा पहले से जानती थी। वो तो इन दोनों की चुप चुप कर मिलने में मदद भी करती है। यह सारी बातें सुनने के बाद सब घर वालों का गुस्सा उस पर बरस पड़ता है। अबीरा को लगता है कि अरमान तो उसकी बात को समझेगा, इसीलिए वो उससे समझाने की कोशिश करती है, पर अरमान भी उसकी एक नहीं सुनता। वो अबीरा से कहता है कि घर वालों को या मुझे अपनी शकल मत दिखाना, मुझे इस प्यार सबसे नफरत है। और इतना कहकर वो अबीरा के बनाए दिल पर पैर रख कर वहाँ से चला जाता है। इधर कोने में खड़ी रूही मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसने एक झटके में अबीरा की लव स्टोरी पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अबीरा इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।